नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स आप सबका स्वागत है ई एल तीन सौ आठ के अगले यूनिट के ई लेक्चर में यानी यूनिट टू जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग तो इससे पहले हमने यूनिट वन जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन था टेली कम्युनिकेशन एंड स्विचिंग नेटवर्क्स का उसको हमने देखा था समझा था तो आज हम यूनिट टू को स्टार्ट कर रहे हैं उसके से रिलेटेड यानी उससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे टेली नेटवर्क और स्विचिंग नेटवर्क्स के अंदर तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं यूनिट टू को जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूनिट टू जिसका नाम है मतलब जिसके जो कंटेंट्स हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग और इसके अंदर आपके ये कुछ पर्टिकुलर मतलब इस यूनिट में जो टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे टू सेकेंड यूनिट है इसलिए मैंने टू पॉइंट इस हिसाब से स्टार्ट किया है तो 2.1 तो आपका जनरल इंट्रोडक्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग क्या होती है उससे रिलेटेड क्या चीज़ें होंगी वो हम देखेंगे फिर हम बेसिक ब्लॉक डायग्राम समझेंगे और फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल वो हमारे सबसे बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर और भी 2.3 के सब पार्ट्स हैं जैसे आपका सेंट्रलाइज्ड एसपीसी हुआ उसके अंदर मोड्स सिंगल प्रोसेसर डल प्रोसेसर अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी और उसके बाद में आप सेकेंड मतलब टू पॉइंट थ्री पॉइंट टू की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड एस पी सी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग फिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एनहानस सर्विसेज फिर टू स्टेज नेटवर्क फिर टू स्टेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन क्रॉस एन नेटवर्क फिर स्विचिंग एलिमेंट की कैलकुलेशन एंड स्विचिंग कैपेसिटी फिर फाइनली थ्री स्टेज नेटवर्क और उससे रिलेटेड ब्लॉक डाइग्राम तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग में तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो भी मैं अब आगे बताऊंगा वो हैंड रिटन नोट्स हैं इससे पहले कि मैंने जो ई क्लास है उसमें स्टूडेंट्स को उन हैंड रिटन नोट्स का प्रिंट आउट दिखाया था लिंक मैं जल्दी शेयर कर दूंगा और स्टूडेंट्स चाहें तो वहाँ से उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं तो ये आपका यूनिट टू है इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग जैसे कि मैंने अभी कहा था कि इसमें आपका हैंड रिटन नोट्स है तो हम इसको बारी बारी से समझ लेते हैं क्या है फिर इसका जो ब्लॉक डायग्राम है कंट्रोल स्विचिंग का वो हम देखेंगे स्टूडेंट हमने यूनिट वन में देखा था हमने बेसिक टेलीकोम्युनिकेशन से रिलेटेड हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हमने समझा था यानी सोर्स डेस्टिनेशन फिर हमने उसके अंदर आगे हम बढ़े थे ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज को समझाता एक्सचेंज को दरअसल मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की थी कि एक्सचेंज का दरअसल मीनिंग होता है स्विचिंग से अब वो एक्सचेंज हो रहा है मतलब अगर जैसे मान के चलिए किसी ने कॉल लगाया वो एक्सचेंज के थ्रू गया लेकिन एक्सचेंज के इनसाइड में क्या है हम दरअसल इस यूनिट टू में और यूनिट थ्री में हम उसको पढ़ेंगे तो उसको हम दरअसल स्विचिंग से भी कहते हैं जैसे स्विच का मैंने समझाया था मीनिंग कि स्विच की दरअसल दो पोजीशन होती है या तो ऑन या ऑफ यानी दरअसल वो पोजीशन है ऑन और ऑफ़ को हमने समझाया ऑन और ऑफ दरअसल पोजीशन है ऐसे ही अगर हम टेली से रिलेटेड हम बात करें तो इसके अंदर स्विचिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है या तो कॉल आपकी कनेक्ट या डिसकनैक्ट लेकिन अब ये स्विचिंग ऐसे नहीं कि सिंपल कॉल कनेक्ट हो गया डिसकनेक्ट हो गया मतलब इसके अंदर काफ़ी मतलब ब्लॉक्स होते हैं मतलब वो हर एक, एक ब्लॉक से निकलता है फिर हर एक ब्लॉक की क्या फंक्शनैलिटी है हमें उनको समझना होता है फिर जा कर के हमारे एक प्रॉपर स्विचिंग तैयार हो पाती है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस्पेस डिवीजन स्विचिंग में एक्सचेंज से टेलीफोन स्विच तक यानी एक्सचेंज से टेलीफोन जो स्विच है हमारा जो जिसको हम बात करते हैं हैंडसेट वहाँ तक एक कंटिन्यूस स्पीच पाथ होता है यानी जो लाइन होती है वो कंटीन्यूस होती है अब अगर हम आगे देखें इसके ब्लॉक डायग्राम को तो जैसे कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं मैं इसको और एरो से शो कर रहा हूँ ये तो आपका कॉलिंग सब्सक्राइबर यानी जो कि कॉल कर रहा है ये लिंक यूनिट यानी जो कि इसकी लाइन है फाइनली ये स्विचिंग नेटवर्क आप देख पा रहे हैं और ये लाइन यूनिट और कॉल सब्सक्राइबर ये तो हम आउटर पोर्शन में हम देखा है दरअसल मतलब लिंक यूनिट यानी आपका चैनल हुआ और एक्सचेंज से गुजरा फिर दूसरे चैनल पर गया और जिसको भी आप कॉल कर रहे हैं वहाँ पर कॉल लग गई लेकिन जो स्विचिंग नेटवर्क है जिसको आप देख पा रहे हैं ये दूसरे मतलब डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रहा है ब्लॉक से जो कि इससे कनेक्टेड है इस लाइन से इसके अंदर आप देखिए कि कितने कितने मतलब इसके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स हैं जैसे कि ये कॉल प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं डिजिटल रिसीवर एंड स्टोरेज रजिस्टर जिसका एक अपना अलग फंक्शन है ऐसे इनिशियल ट्रांसलेटर फाइनल ट्रांसलेटर रजिस्टर सेंटर यानी कुछ पर्टिकुलर डेटा को हमें रखने के लिए डेटा को समझने के लिए कंट्रोल करने के लिए हमें इस कॉल प्रोसेसिंग सब सिस्टम की जरूरत होती है ऐसा ही आप देख पा रहे हैं ये चार्जिंग कट ऑपरेशन कंट्रोल मेंटेनेंस और वेंट मॉनिटर ये सारे चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अगर हम बात करें तो कोई भी हमारा जो नेटवर्क है या कुछ भी हम अगर बात करें हमारी कोई लाइन है उसके लिए मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है ऑपरेशन की भी ज़रूरत है चार्जिंग डिस्चार्जिंग रजिस्टर डेटा मतलब ये सारे चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है फिर फाइनली जब इस प्रोसेस से ये गुजर जाता है वो रजिस्टर फाइंडर यानी रजिस्टर फाइंडर यानी जो भी हमारे एक तरीके से टेलीफोन की डायरेक्टरी है फिर जा कर के हमारे आगे लाइन में लगता है लेकिन क्योंकि अब हमारे आने वाले दिनों में और भी मतलब काफ़ी चेंजेस हो जाएंगे यानी हमारे कंप्यूटर में डे बाय डे हमारी टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है अगर हम इस मोमेंट की बात करें तो हम आजकल हर जगह हमारा माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लगा है पहले से भी यानी काफ़ी टाइम से माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हो रहा है ये माइक्रो प्रोसेसर क्या माइक्रो सेकेंड्स में अपना काम परफॉर्म कर देता है यानी जैसे कि अगर आप कॉल लगाते हैं तो कुछ सेकेंड्स में आपकी कॉल लग जाती है अगर सब कुछ प्रॉपरली वेल एस्टेब्लिश्ड हो तो ये जितने भी ब्लॉक्स हैं ये सारे ब्लॉक्स दरअसल कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर सेकेंड्स बोलूँ मैं टाइम पीरियड ना बोल करके अपना फंक्शन कर देते हैं परफॉर्म और फाइनली हमारी लाइन कनेक्ट हो जाती है तो ये हुआ हमारा डेटा और पाथ कंट्रोल लाइन यानी दरअसल बेसिक ऑफ कॉमन कंट्रोल स्विचिंग सिस्टम को मैंने आपको समझाया कि स्विचिंग नेटवर्क के अंदर दरअसल क्या ब्लॉक्स या फिर हम कह सकते हैं सब ब्लॉक्स कनेक्ट होते हैं और जाहिर सी बात है कॉलिंग सब्सक्राइबर और कॉल सब्सक्राइबर को तो फाइनली इनपुट या आउटपुट देना होता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम देख लेते हैं एक बार इंट्रोडक्शन क्या है स्पेस डिवीजन स्विचिंग से पहले क्रॉस बार सिस्टम यूज़ होता था यानी मैंने आपको बताया था कि Uh, हमारे जो टेलीफोन एक्सचेंज थे उसके अंदर हमने देखा था एक तो हमने ऑटोमेटिक देखा था और एक क्रॉस बार ऑटोमेटिक में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रो मैकेनिकल और एक था सिंपली मैकेनिकल जो कि मैनुअल था अब मैनुअल में प्रॉब्लम क्या थी कि उसका जो कॉल प्रोसेस था वो एक तो मैनुअल डिपेंडेंट था और और मैनुअल डिपेंडेंट होने के कारण वो स्लो था अब क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपोनेंट यूज़ होते थे तो अब इस स्विचिंग स्पीड को हमें बढ़ाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ किया यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ किया जो कि कंट्रोल भी करते थे और सिग्नलिंग के हमारे जो सब सिस्टम थे उसमें भी हम इसको यूज़ करने लगे तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये दरअसल इसका ये इंट्रोडक्शन बता रहा है कि स्पेस डिवीजन स्विचिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग बात ये है उसका यूज़ क्या आया अब जो इसके अंदर जो बेसिक जो तीन पार्ट थे वो क्या थे यानी स्पीड कैसे इंप्रूव हुई मतलब उसका क्या हिस्ट्री रही देखिए अब जैसे 1940-1950 के टाइम में जब हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे यानी जो हमारा ट्रायोड था डायोड था सी था हम दरअसल इसकी हम मोनिटरिंग करने लगे अब वैक्यूम ट्यूब्स और ये सारी क्या क्योंकि लार्ज एन साइज़ थी तो धीरे धीरे हम लोग ट्रांजिस्टर यानी हम वी और इवन अब द तो जी और कार्बन एनो ट्यूब्स का यूज़ होने लगा है तो कहने का मतलब धीरे धीरे हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को यूज़ करने लगे जैसे कि आपका सेकंड पॉइंट है कि वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का जन्म हुआ और तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है कॉमन कंट्रोल स्विचिंग सिस्टम जिसमें रजिस्टर ट्रांसलेटर्स थे उनको सिंगल डिजिटल कंप्यूटर से रिप्लेस किया यानी जो मैंने अभी इससे पहले का जो ब्लॉक डाइग्राम आपको दिखाया इस ब्लॉक डायग्राम में और अब क्या चेंज आने लगा कि आपके ये जितने भी रजिस्टर थे उसको हमने एक सिंगल यानी आपका एक सिंगल डेस्कटॉप है वो मल्टीपर्पज़ होना यूज़ हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ सिंगल डिजिटल कंप्यूटर से भी आप बोल सकते हैं वो मल्टीपर्पज़ हो गया यानी उसके अंदर आपके रजिस्टर्स भी मौजूद हैं रजिस्टर यानी जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन रखेंगे ट्रांसलेटर्स भी है ट्रांसलेटर का अपना एक रोल है और उसके अलावा और भी कोई भी फंक्शनलिटीज़ है तो वो एक सिंगल कंप्यूटर से रिप्लेस होना स्टार्ट हो गई अगर हम बात करें तो जैसे कि आप इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विचिंग देख रहे हैं जो कि पहले यूज़ हो रहा था उसके अंदर भी स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल था लेकिन उसमें जो नेटवर्क था वो आपका इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विच बेस्ड था और अगर हम सेकंड बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग तो स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल तो था ही था ही और इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग नेटवर्क जिससे हमारी स्विचिंग स्पीड बेहतर हो गई तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब हम आगे समझेंगे स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल को कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल क्या होता है चलिए मैं थोड़ा सा इसका पढ़ देता हूँ जो कि नोट्स में लिखा है वर्तमान डिजिटल कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं जैसे कि बिल्कुल जाहिर सी बात है जो हमारा एट प्रेजेंट जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो एस पी सी जिस शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा हम स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल को एस पी सी के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं यहाँ प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है आपने अपने सेकेंड ईयर की दो सौ दस में सी प्रोग्रामिंग देखा होगा गई दरअसल प्रोग्रामिंग क्या होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है यानी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पर्टिकुलर लाइन में अरेंज होते हैं और वो इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन फॉलो अप होते चले जाते हैं अब यहाँ पर भी ये होता है कि प्रोग्राम कुछ उसके अंदर कुछ ऐसा फीड होता है कि वो इंस्ट्रक्शन बाई इंस्ट्रक्शन फॉलो होता है जो कि एक हमारे मेमोरी में सेव होता है और ये ऑटोमेटिकली एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते रहते हैं वो डिपेंड करेगा कि वो किस कंडीशन में है कंडीशन क्या है उसको मैं आगे क्लियर कर देता हूँ एक्सचेंज कंट्रोल कार्य जब किसी कंप्यूटर में स्टोर्ड प्रोग्राम के जरिए किए जाते हैं यानी एक्सचेंज कंट्रोल यानी कॉल को लगाना कॉल को प्रोसेस करना अगर हम स्टोर्ड प्रोग्राम यानी अगर हम उसके अंदर मतलब हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर में ऑलरेडी जो प्रोग्राम फीड है स्टोर्ड है तो हम उसको एस पी सी कहते हैं ये इसकी डेफिनेशन तैयार हुई यानी अगर एक्सचेंज कंट्रोल कर रहे यानी जो भी हम एक्सचेंज का, का काम अगर किसी कंप्यूटर में स्टोर्ड प्रोग्राम यानी ऑलरेडी वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है हम उसके जरिए कर रहे हैं तो उसको हम एस पी सी कहते हैं या फिर स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल कहते हैं इसमें ऑटोमेटिक एक्सचेंज का यूज़ किया जाता है ज़ाहिर सी बात है वो एक ऑटोमेटेड है उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम है वो अपने आप एग्जीक्यूट हो रहे हैं हमें तो जस्ट एक बार स्विचिंग ऑन या ऑफ़ करना है तो इसमें ऑटोमेटिक एक्सचेंज का यूज़ किया जाने लगा और न्यू सर्विसेज को इंट्रोड्यूस की गई यानी जो भी हमारी न्यू सर्विसेज़ यानी जो भी वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं उनको ऐड किया गया मैं एग्जांपल दे सकता हूँ जैसे ट्रू कॉलर आईडी हुई आपकी ट्रू कॉलर तो अभी तक एक ऐप है यानी उसको भी एक हम कॉलर आई कह सकते हैं तो हमें और नई से नई हमें सर्विसेज मिलती चली गई क्योंकि एक्सचेंज हमेशा चालू रहना चाहिए इसलिए जो कंप्यूटर एस में यूज़ होते हैं तो वो फॉल्ट फ्री भी होने चाहिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और हाईली फॉल्ट ट्रेबल होने चाहिए हाँ यानी उनकी जो विथ स्टैंड कैपेबिलिटी है वो भी हाईली फॉल्ट टरेबल हो ताकि वो कंप्यूटर हर टाइम बेहतर से बेहतर हमारा आउटपुट दे सकें अब एस को ऑर्गेनाइज करने के लिए यानी अब एस का अगर हम आर्किटेक्चर या हम उसका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करें तो दरअसल दो अप्रोच को यूज़ में लिया गया एक तो सेंट्रलाइज एस जो कि पुराने एस में यूज़ की जाती है और दूसरी डिस्ट्रीब्यूटेड एस जो कि मॉडर्न यानी आज के डेट में की जाती है अब सेंट्रलाइज एस और डिस्ट्रीब्यूटेड एस इनका अपना रोल है वो हम देख लेते हैं उससे पहले हम एस के कुछ फीचर्स देख लेते हैं एक तो कॉमन चैनल सिग्नलिंग ठीक है आ, हमारा एक सिंगल चैनल हो गया कॉमन उसके थ्रू ही हम मॉनिटर कर रहे हैं सेंट्रलाइज मेंटेनेंस अच्छी बात है और अपने आप को फॉल्ट को पहचाना क्योंकि मशीन है ऑटोमेशन है तो अपने आप को फॉल्ट को वो मतलब डिसाइड करना मतलब डिसीजन कैपेबिलिटी पावर आने लगी उसको और अपने आप मतलब उसको फॉल्ट को प्रॉपर तरीके से मतलब मैनेज करने लगी ये हमारे कुछ एस के फीचर्स थे अब हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं सेंट्रलाइज एस को सेंट्रलाइज एस जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें जितने भी हमारे जो कंट्रोल इक्विपमेंट थे उन्हें एक सिंगल पावरफुल प्रोसेसर से बदला गया जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये आपका सिंगल प्रोसेसर है सिंपल इस सिंगल प्रोसेसर से सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं यह 10 से 100 कॉल प्रति सेकंड प्रोसेस करने का कैपेबल होना चाहिए यानी अगर ये प्रोसेसर हम अगर सेंट्रलाइज एस ले रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी हो कि एक सेकेंड में दस से सौ कॉल को ये कनेक्ट कर सकें अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस सिंगल प्रोसेसर से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं मेमोरी जाहिर सी बात है मेमोरी की तो हमें ज़रूरत है सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि अगर आप कॉल रीड कर रहे हैं प्रो और कोई प्रोग्राम स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जैसे कोई हार्ड डिस्क की जरूरत हो अगर किसी लाइन से कॉल आ रही है तो स्कैन करें तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ का एक अपना रोल है जैसे लाइन को स्कैन किया ये सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर है जहाँ पर कॉल भेजी जा रही है और यह पर मेंटेनेंस कंसोल है कि अगर किसी चीज़ का मेंटेनेंस करना है तो वो प्रोसेसर अपने आप बताएगा तो इसका एक तरीके से देखा जाए तो सारी चीज़ें हमारे ये सिंगल प्रोसेसर बेस्ड था तो ये हमारा कुछ होता है सेंट्रलाइज एस पी सी और मैं इसमें पढ़ देता हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन में एक से ज़्यादा प्रोसेसर भी यूज़ किए जा सकते हैं हाँ एक चीज़ कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर तो यूज़ किए जा सकते हैं सभी प्रोसेसर एक्सचेंज के सभी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं तथा तो कंट्रोल फंक्शन में कार्य कर सकते हैं लेकिन मेन चीज़ हमें यह है कि इसमें जो सेंट्रलाइज वर्ड है वो सारे डिपेंडेंट होंगे सेंट्रलाइज आगे देख लेते हैं इसके अंदर हमारा ये शायद स्लाइड एक्सचेंज हो गया हाँ पहले ये पढ़ते हैं उसके बाद में हम पिछले वाली स्लाइड को देखेंगे सेंट्रलाइज एस में तीन ऑपरेशन मोड होते हैं अब हम इसके मोड्स में चलते हैं एक तो होता है हमारा स्टैंड बाय मोड दूसरा होता है हमारा सिंक्रोनस डुप्लेक्स मोड और तीसरा होता है हमारा लोड शेयरिंग मोड स्टैंड बाय मोड को पढ़ लेते हैं हम यह ड्यूल प्रोसेसिंग का सबसे सिंपल मोड है ड्यूल प्रोसेसिंग ड्यूल प्रोसेसिंग को हम क्या है उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ इस मोड में एक प्रोसेसर एक्टिव होता है जबकि दूसरा स्टैंड बाय यानी एक प्रोसेसर अपने काम में लगा हुआ दूसरा स्टैंड बाय मतलब रिसट मोड में रहता है स्टैंडबाय प्रोसेसर को जब ही काम में लिया जाता है जब जो पहला वाला प्रोसेसर है या फिर हम कह सकते हैं जो एक्टिव प्रोसेसर है वो फेल हो जाए किसी रीज़न से तो इस मोड में स्टैंड प्रोसेसर का जो मुख्य काम है वो ये है कि कौन सा प्रोसेसर बिजी है फ्री है और जो बिज़ी है तो वो क्या कर रहा है और फ्री है तो उसका मतलब फ्री तो ठीक है वो आइडियल मोड में रहेगा या फिर कौन सा जो बिज़ी है कौन सा पाथ स्विचिंग नेटवर्क से कनेक्टेड है या मतलब जैसे स्टैंड बाई प्रोसेसर को काम में लाया जाता है तो ये सभी स्टेटस सिग्नल को स्कैन करता है तो ही कॉल्स परिवर्तित यानी डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं कहने का मतलब है स्टूडेंट कि मान के चलिए अगर हमारी कोई कॉल प्रोसेस में और फर्स्ट प्रोसेसर जो कि एक्टिव प्रोसेसर है वो हमारा उस टाइम ख़राब हो जाए तो उस टाइम का जो स्टेटस है माइक्रो प्रोसेसर का उसको ये स्कैन करेगा और उसी हिसाब से हमारी कॉल्स की आगे डाइवर्ट होगी या कॉल्स आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी फिर हम बात करते हैं ये सिर्फ स्मॉल एक्सचेंज में पॉसिबल होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं दो हमारे एक P1 को तो हमने एक्टिव प्रोसेसर मान लिया और P2 को हमने स्टैंड बाय प्रोसेसर मान लिया अब ड्यूएल का आप समझ गए होंगे मीनिंग यानी दो प्रोसेसर होते हैं सिंपल अगर हम आगे बात करें तो अब हम पीछे चलते हैं मतलब एक स्लाइड का आगे पीछे हो गया सिंक्रोनस डिप्लेक्स मोड अब सिंक्रोनस डिप्लेक्स मोड में क्या होता है हम इसको एक बार देख लेते हैं इस मोड में दो प्रोसेसर को जोड़ा जाता है जो कि सेम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं यानी इसके अंदर दो प्रोसेसर होते हैं पहले वाले में तो क्या था उसमें भी दो थे लेकिन एक स्टैंड बाय मोड में था यानी एक एक तरीके से रीसेट मोड में था और एक ही एक्टिव था इसके अंदर दोनों प्रोसेसर हमारे काम कर रहे होते हैं दोनों मतलब एट अ सेम टाइम एक्टिव होते हैं लेकिन होता क्या है कि वो सेम इंस्ट्रक्शन को यानी प्रोग्राम मतलब एक अपने लेवल पे काम कर रहा है दूसरा अपने लेवल पे काम कर रहा है अब उनसे जो रिज़ल्ट निकल के आता है दोनों प्रोसेसर का उनको कंपेयर किया जाता है और अगर उनके रिज़ल्ट में कोई मिस हुआ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर उन दोनों प्रोसेसर के वर्क के जो भी रिजल्ट निकल के आ रहे हैं उनमें कोई मिस हुआ तो एक प्रोसेसर को पहचाना जाता है मतलब मिसमैच हुआ तो वो उनका अपने क्राइटेरिया होता है कि ठीक है ये प्रोसेसर ख़राब है उस रेफरेंस के थ्रू तो उसको सर्विस से हटाया जाता है और उसको आगे मतलब उसको जो भी उसकी आ, मतलब उसको सही करना है उसकी रिपेयर करना है उसको आगे मतलब उस प्रोसेस में डाला जाता है तो हम आगे देखते हैं इन प्रोसेसर्स में एक प्रोसेसर ही एक्सचेंज को कंट्रोल करता है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्सचेंज एनवायरनमेंट के स्टूडेंट है लाइन कनेक्ट डिसकनेक्ट होना उसको हमने सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर दिया ये आपका पी वन प्रोसेसर वन पी टू प्रोसेसर टू और सी आपका कंपेरेटर जो कि रिजल्ट को कंपेयर करता है अगर कंपेरिटर में कोई तकनीकी खराबी आती है तो इन तीनों में एक ही पॉसिबिलिटी है या तो दोनों प्रोसेसर काम को कंटिन्यू रखें और एक्टिव प्रोसेसर को हटा दें व दूसरा कंटिन्यू करें या एक्टिव प्रोसेसर लगा रहे और दूसरे को हटा दें इतना कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है बस ये है कि ये एक्चुअली में हमारे एक्सचेंज टू एक्सचेंज डिपेंड करेगा कि हमें दरअसल करना क्या है फिर फाइनली हम लोड शेयरिंग मोड को देख लेते हैं इस मोड में दोनों प्रोसेसर साथ में काम करते हैं यानी इसके अंदर दोनों साथ में काम करते हैं तथा लोड और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और इन दोनों की सेपरेट मेमोरी होती है वो तो पहले वालों में भी थी तथा दोनों प्रोसेसर आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं पहले दोनों में तो क्या था स्टूडेंट अगर हम बात करें इससे पहले वाले की स्टैंड बाई की स्टैंड बाई के अंदर तो एक प्रोसेसर तो एक तरीके से आराम मतलब आइडियल मोड में होता है मेमोरीज की भी होती है दूसरे वाले में क्या था सिंक्रोनो डुप्लेक्स में उसमें तो दोनों एक दूसरे से के मतलब रिजल्ट से उनको कंपेयर किया रह जा रहा था और जो भी गड़बड़ लगता था उसको हटा देते थे यहाँ पर ये दोनों काम करते हैं दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं और इनके अलग अलग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं बस इसमें ये होता है कि इसकी जो भी मॉनिटरिंग होती है वो अपने लेवल पर अलग तरीके से होती है मान के चलिए कोई दूसरा प्रोसेसर ख़राब हो जाए जैसे मतलब मैंने सामने ब्लॉक से सिंपल ब्लैंक ब्लॉक से रिप्रजेंट करा है तो उसको वहीं के वहीं एक्सचेंज किया जाएगा मतलब रिप्लेस किया जाएगा कहने का मतलब तो इस तरीके से यहाँ पर लोड और रिसोर्स शेयर होते हैं तो ये हमारे कुछ तीन टाइप के मोड्स हुए सेंट्रलाइज एस में पहला तो हमने देखा स्टैंड बाय दूसरा हमने देखा सिंक्रोनस डुप्लेक्स और तीसरा देखा हमने लोड शेयरिंग मोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सीधा सीधा पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी आपके पूछा जाता है कि एक्सप्लेन ऑपरेटिंग मोड्स इन सेंट्रलाइज्ड एस अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अवेबिलिटी ऑफ सिस्टम क्या है दरअसल स्टूडेंट अवेबिलिटी ऑफ सिस्टम से हम क्या समझते हैं कि अगर कोई भी हमारे जैसे सपोज टेलीफोन एक्सचेंज हमने सेटअप किया वहाँ पर कोई भी हमने मशीन हमने डाली ये नहीं है कि ठीक है मशीन आज डाली तो वो एक महीने या एक साल की मैं बात करूँ दो साल की बात करूँ तो मशीन खराब हो गई बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डलने में इसमें बहुत मतलब हाईली मतलब कॉस्ट लगती है तो कम से कम जो हमने मशीन डाली हुई है उनका जनरली हम बात करें तो थर्टी टू फोर्टी ईयर्स तक वो अवेलेबल रहे टेलीफोन एक्सचेंज तो किसी भी अगर हम सिंगल प्रोसेसर की हम बात करें तो एम टी एफ अपॉन एम टी बी एफ और प्लस एम टी टी आर अब दरअसल ये क्या है शॉर्ट फॉर्म एम टी बी एफ तो है मेन टाइम बैंडविथ फेलियर और दूसरा है मेन टाइम टू रिपेयर यानी मेन टाइम है बैंडविड मतलब बैंडविड मतलब वो दायरा वो एरिया वो कितना होना चाहिए फेलियर का जो कि काफ़ी बड़ा हो और मेन टाइम टू रिपेयर और मतलब कितना टाइम चाहिए और कितना टाइम पीरियड है उसको रिपेयर करने का कहने का मतलब होता है अब क्योंकि हमने एक कंडीशन लगाई है कि एम बहुत ज़्यादा होगा एम से यानी मेन टाइम टू रिपेयर से तो जाहिर सी बात है हम जो ए है ए को हम ले सकते हैं एम टी बी एफ अपॉन एम टी बी एफ यानि एम टी टी आर की वैल्यू बहुत कम है तो हम उसको इग्नोर करेंगे तो दरअसल हम आइडियली अवेबिलिटी को हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं यानी हंड्रेड परसेंट वो अवेलेबल है और अन क्या होगी हमारी वन माइनस ए यानी एम टी टी आर अपॉन एम टी बी एफ यानी हमने ऊपर इस वाले चीज़ को यूज़ करते देखा वन माइनस ए तो हमारा ये एम टी बी एफ इधर मतलब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये इस तरीके से हमारा सॉल्व हो के आएगा तो अगर हम आगे बात करें तो अब ड्यूअल प्रोसेसर की हम बात करें तो मेन टाइम बिटवीन फेलियर्स अब जाहिर सी बात है उसमें दो प्रोसेसर हैं तो उसका वो स्क्वायर होगा अपॉन टू एम टी डी आर और ए डी को जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कुछ हमारी ऐसी वैल्यू आई स्टूडेंट डायरेक्टली इसको समझें ए डी इक्व टू एम टी एम टी बी एफ डी इक्वल्स टू एम टी बी एफ डी अपॉन एम टी टी आर अब एम टी बी एफ डी तो ये था कुछ इसको हमने एम टी बी एफ डी जगह ये वैल्यू पुट करी यहाँ पर और यहाँ पर तो जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा कुछ ये सॉल्व हो क्या आया स्टूडेंट इसको सॉल्व करके देख लें कोई ज़्यादा बड़ा इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है और इसके बाद में यू डी यानी अन अवेबिलिटी ऑफ ड्यूल प्रोसेसर की जो बात करें तो वन माइनस ए डी जो कि हमारे टू एम टी टी आर स्क्वायर अपॉन एम टी बी एफ स्क्वायर के बराबर आएगी तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा सेंट्रलाइज्ड एस पी सी खत्म होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो टॉपिक टू है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एस पी सी जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा तब तक के लिए स्टूडेंट इस सबको पढ़ें यूनिट टू जैसे कि हमने स्टार्ट किया है इसका इंट्रोडक्शन को समझें एस पी सी सेंट्रलाइज एस पी सी और इसके मोड्स और अवेबिलिटी और अन अवेबिलिटी ये हमने आज के लेक्चर में कवर किया तो स्टूडेंट अपना ध्यान रखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कोरोना महामारी में भी अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें और मेन चीज़ अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें थैंक यू